गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 10.4 पहला सवाल देखिए आगे
तीसरा नंबर 3x + 2y और 5x - 3y पास किया 15 x स्क्वायर फिर बांध दीजिए 10xy माइनस 3 का गुणा माइनस 3 को 9xy माइनस 9xy फिर माइनस 6y स्क्वायर (15x²+xy - 6y²) समझ में आया पूरा? ठीक है, 5x का गुणा पास किया 15x², x का इसमें गुणा x², पास किया 15, फिर 5 का गुणा 5x का 2y में गुणा, 5 दुनी 10 और x और y 10xy, फिर माइनस 3 का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो 3 को 9 से फिर माइनस में आएगा माइनस 9xy और माइनस 3 का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो माइनस 6y में y का गुणा y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर और 15x² ये प्लस 10xy है ये माइनस 9xy है तो प्लस का xy बचा फिर माइनस बराबर ये माइनस 6y स्क्वायर है इसको इसी तरह उतार दिया क्या आया 15x² + xy - 6y² समझ में आया? चौथा नंबर 5x + 4 माइनस xy फिर कोष में x माइनस 2xy ठीक है आप देखिए इसको जरा ध्यान से x का इसमें गुणा 5x+5 हो जाएगा फिर x का -xy में गुणा -x²y फिर -2xy का गुणा -10x+5y -10x+5y फिर इसका इसमें गुणा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x² और y स्क्वायर प्लस 2x² y स्क्वायर 5 x + 5 - x² y - 10x + 5 y + 2x² y² क्या है 5x+5 - x² y फिर -10x+5
प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। पूरा सवाल समझ में आया? अब आगे देखिए छठवां सवाल, चौथा जो है छठवां सवाल। सात एक्स माइनस थ्री वाई फिर आगे 4x minus 5y चार सते 28 x square फिर minus 12 xy फिर minus 5 से गुणा minus 35 xy फिर प्लस 5 या 15 वाई स्क्वायर। फिर से देख लीजिए 4x का 7x गुणा 4 सते 28 x का x गुणा 28 x स्क्वायर फिर 4 का गुणा माइनस 3 में से 4 के माइनस 12 y फिर माइनस 5 का गुणा 7 में तो माइनस 35 y और माइनस 5 का गुणा माइनस 3 में तो प्लस 15 y स्क्वायर 28 x स्क्वायर माइनस माइनस जोड़ दो माइनस 47 एक्स वाई प्लस 15 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद होमवर्क है। होमवर्क में पांचवा सातवा आठवा क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 कर लेना। 5, 7, 8 ठीक है। गुड बाय। कोई प्रॉब्लम गुणा इसी तरह करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गुड बाय।